दोस्तों, टुडे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम टॉप 10 मोस्ट डेंजरियस एंड पॉइजनस प्लांट्स इन द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पौधों का नाम लेते ही हमें दिमाग में कलरफुल और खुशबूदार फूलों वाले पौधों का ख्याल आता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो नुकसान करने के साथ ही जान भी ले सकते हैं। तो 10 नंबर पे है कोनियम, जो कि हेमलॉक के नाम से भी जाना जाता है। हम स्टार्ट करते हैं उससे जिसके बारे में आपने सुना होगा। अगर हम पॉइजनस प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिस्ट में सबसे टॉप में हेमलॉक होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? प्राचीन ग्रीस में इसका ज्यादातर इस्तेमाल हुआ करता था। हेमलॉक के फेमस विक्टिम थे फिलोसोफर सोक्रेट्स। हेमलॉक में विषाक्त पदार्थ कोनिन होता है, जिसके स्मॉल डोज भी अगर हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे डेथ होने के लिए काफी है। 9 नंबर पे है नेरियम ओलियंडर। ये श्रब यूएस के साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स में पाया जाता है। इसके लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नामक केमिकल पाया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। 8 नंबर पे है एकोटिनम, जो कि डेविल्स हेलमेट नाम पे भी जाना जाता है। ये पौधा सदियों से जाना जाता है इसके पॉइजन के वजह से, जो कि पहले एरोस के टिप में हंटिंग एंड वार के लिए यूज होते थे। मनुष्य के जरा सी सेवन से मनुष्य को हार्ट एंड लंग पैरालिसिस हो सकता है। 7 नंबर पे है अजेराटिना अल्टीसिमा, जो कि व्हाइट स्नेक रूट नाम पे भी जाना जाता है। ये पौधे को स्नेक रूट भी बोलते हैं। ये पौधा इतना जहरीला है कि इस पौधे को खाया हुआ गाय का अगर मिल्क अथवा मीट का सेवन इंसान करे तो उस इंसान का मौत हो सकता है। ये पौधा में ट्रिमेटोल नामक विषाक्त पदार्थ है। 6 नंबर पे है ब्रेगमेंसिया। इस पौधे को इसके लार्ज हैंगिंग ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर्स की वजह से एंजल्स ट्रम्पेट्स भी बोलते हैं। इसके फ्लावर में स्कोपोलामिन एंड एट्रोमिन नामक केमिकल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। 5 नंबर पे है डायफेन बेचिया, इसे डमकेन भी कहते हैं। इसके लिप्स का अगर सेवन किया जाए तो माउथ टोंग में सीवियर इरिटेशन होता है और बाद में इंसान का एयरवेज ब्लॉक होके डेथ होता है। 4 नंबर पे है अर्बस प्रिकेटोरियस, जिसको कि क्रैब्स आई भी बोलते हैं। इसके सीड्स में अर्बिन है, जो कि फर्टल टू ह्यूमंस है। 3 नंबर पे है हिपोमेन, इसको मैंकेनेल भी बोलते हैं। मैंकेनेल पौधे को कंपनी पसंद नहीं है। अगर इस पौधे को
स्लाइटली टच हो जाओ तो ये पौधा व्हाइट सेप प्रोड्यूस करता है जो आपकी स्किन में वायोलेंट एलर्जिक रिएक्शन करता है। दो नंबर पे है सर्वेरा ओडलम, इसको सुइसाइड ट्री भी बोलते हैं। इसके सीड्स ह्यूमन के लिए हाईली टॉक्सिक है। एक नंबर पे है रिसिनस कम्युनिस, इसको कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोलते हैं। ये पौधा आपके घर के आसपास गार्डन में मिल जाएगा। आप लोग सतर्क हो जाए क्योंकि इस पौधे के सीड्स बहुत खतरनाक और जानलेवा है। ये पौधा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस प्लांट टाइटल का हकदार है।